मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ऑन द वे अमन। तो आज का जो मेरा प्लान है वो है जय मैं भरमारी लिखा हुआ जो माता का, और ये रास्ता जा रहा है किशन भाई साहब फिर से यहाँ मिल गए मुझे और इनके होते हुए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू मैं कल गया था कृष्णा कैंप में। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ऑन द वे अमन। तो आज का जो मेरा प्लान है वो है ब्रॉड वैली जाना। यहाँ से 97 किलोमीटर्स है और 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन मेरे को 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि मैं आराम से बाइक चलाता हूँ। भाई और बहनों, कभी भी प्राशर लेक आए तो इन भाई साहब से ज़रूर मिले। हेलो, नागेंद्र कुमार मेरा नाम है। इनका नाम जो है, क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार सर। और ये जो है प्राशर लेक की साइड पे मिलेंगे, मतलब कि जहाँ से एंट्रेंस है वहीं पे मिलेंगे, और आपको खाने पीने और रहने की बिल्कुल भी पूरी व्यवस्था करा कर देंगे आपको। आप अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8219-89480 कॉन्टैक्ट करना जब भी आप प्राशर लेक आएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी नेचर है और बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आने के बाद। और मैं अभी रेडी होने जा रहा हूँ, रेडी होकर आपसे मिलता हूँ बाइक पर और दिखाता हूँ आपके ब्रॉड वैली तक जाने के नज़ारे यहाँ से प्राशर लेक से। तो मिलते हैं गाइस। मैं रेडी हो चुका हूँ और बैरोड वैली की तरफ निकल रहा हूँ। अभी मैं प्राशर लेक किशन कैंप के अंदर हूँ। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको, करते हैं बातें रास्ते में। इन दो गांवों ने मेरी रात की ऐसी की तैसी कर दी। 1 बजे मेरे तंबू के पास आकर ये घास चर रही थी और मुझे लगा कि कोई शेर वगैरह कोई जानवर मेरे तंबू के पास आ गया, और मैं रात भर नहीं सोया और ये अब आराम फरमा रही है यहाँ। क्या बात है, ओ भाई बच गए रात को, शुक्र है यही थी। और ये रास्ता कुछ ऐसा है, ठीक है रास्ता, प्राशर लेक से 2-2.5 किलोमीटर आगे आना पड़ता है किशन कैंप के लिए, पर बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भाई साहब फिर से यहाँ मिल गए मुझे, और नागेंद्र है ना जी आपका नाम। और गाइस ये यहीं मिलेंगे आपको, प्राशर लेक की एंट्री यहाँ से है और साथ में यहीं मिलेंगे। खाने पीने रहने की कोई टेंशन नहीं लेनी इनके होते हुए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू मैं कल गया था कृष्णा कैंप में। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आपका नंबर ना। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे। ओके विजिट। ये एक रेस्ट हाउस बना हुआ है सरकारी, और दस्तों मुझे यहीं बज गए हैं, तो तकरीबन 3 या 4 बजे मैं ब्रॉड वैली में पहुंच जाऊंगा। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है 6 बजे के बाद, आप बिना जैकेट और ब्लैंकेट्स के बिना बाहर बैठ नहीं सकते, तो गलती से भी कभी टी शर्ट्स में मत आ जाइएगा यहाँ पे। दोपहर में यहाँ वेदर सही रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन 6 बजे के बाद बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। और ये अप्रैल मंथ है, उसके बावजूद भी। गाइस टोटल मैं 20 किलोमीटर आ चुका हूँ अभी, और काफ़ी ऊपर से आ रहा हूँ, और जो नीचे रोड आपको नज़र आ रही है अभी मुझे वहाँ पहुँचना है, और नीचे वो एक स्कूल बना हुआ है इस प्राशर एरिया में।
तो लीजिए गाइस, उस वाले पहाड़ से इस वाले पहाड़ पे आ चुका हूँ मैं। तो गाइस यहाँ से जाएगा ब्रॉड वैली के लिए रास्ता मंडी 25, ये आईआईटी कमांड कमंड 10 कटूला 4। तो गाइस मंडी के लिए ये रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड साइड और रियागड़ी के लिए स्ट्रेट, यहाँ पे भी यही है रियागड़ी के लिए स्ट्रेट और कुल्लू के लिए इस साइड जहाँ से मैं आ रहा हूँ और मंडी और मनाली लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और एक ये प्यारी सी प्यारा सा पुल बना हुआ है और नीचे नदी बह रही है। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह का नाम है कटोला, ये कटोला का एरिया है, छोटी सी मार्केट और प्यारी सी रोड, क्या बात है। ट्रैफिक कितना सही लग रहा है, सब कुछ सेम सेम, ऐसे लग रहा है जैसे किसी राजे का महल है इतना बड़ा, लेकिन है क्या ये नहीं मालूम। और इतना लंबा यहाँ तक, ये तो आगे से आगे फैलता जा रहा है, बस वहीं तक है। गाइस ये सीवी रमन गेस्ट हाउस है मंडी में, इतना बड़ा गेस्ट हाउस, वाह गॉड। ये ब्रो, थैंक्स ब्रदर। ये ब्रॉड वैली के लिए जा रहा रास्ता, ब्रॉड वैली के लिए भाई ये नहीं है, ये हाँ वो जो बैग जा रहा पीछे वो टर्न आता है ना, तो पुल के टर्न आता हाँ वही, तो जो टर्न लेके मैं आया मुझे किसने कहा यहाँ जा रहा है, तो ये मैप उल्टा सीधा दिखा रहा है, तो मैं अभी पुल से वापस हो जाऊँ, पुल से वापस ही साइड हो जाओ आप, ठीक है जोगिंदर नगर वाला रोड पकड़ो आप। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक्स। जोगिंदर नगर से आ जाएगा आपको लिंक ही ब्रॉड वैली के ऊपर, चलो ठीक है थैंक्स। अभी मैं मैगल नाम की जगह पर हूँ और 55 किलोमीटर ब्रॉड वैली है यहाँ से, कुछ गलत जाने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और किलोमीटर भी बढ़ गए, चलो फिर भी टाइमली मैं पहुँच जाऊँगा, सारी एक घंटे की गेम है। और रास्ता बहुत प्यारा है, रोड मुझे बिल्कुल सही मिले हैं, एक शॉर्टकट भी जाता है कच्चे रास्ते से ब्रॉड वैली के लिए, लेकिन वो मैंने चूज़ नहीं किया, मेरे को यही सही लगा, आराम से जाएंगे, कौन सी जल्दी है आग बुझानी है कहीं जाके। तो अभी मैं भट्टोक जगह में हूँ, और यहाँ से है 47 किलोमीटर ब्रॉड वैली। अरे यार काफी खराब रोड, चलो थोड़ी सी है ज़्यादा नहीं है। और ब्रॉड वैली अब रह गया है 30 किलोमीटर। तो गाइस सामने बस फंस गई है जिस कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका है, आधा घंटा हो गया मुझे जाम में फंसे हुए। भाई आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, ये गूगल तो बिल्कुल गलत दिखा रहा है यार, मैं ब्रॉड वाले रास्ते से निकल भी आया लेकिन इसने शो किया कि आगे है। अब ये जो अंकल जा रहे हैं और एक भैया स्कूटर पे बाइक पे, ये भी ब्रॉड ही जा रहे हैं, तो मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से आया था और गलत टर्न की वजह से स्ट्रेट चला गया था, ब्रॉड के लिए जा रहा था और ब्रॉड के लिए ये रास्ता जाता है जय माँ जालपा के नेम से, यहाँ मंदिर बना हुआ है और टर्न यहाँ से जाता है। अरे यार ये दिखा क्यों नहीं मुझे, तो बारोट के लिए ये है ब्रॉड 25 किलोमीटर। अरे यार ये स्वागत के लिए गेट बन रखा है मेरे लिए, 20-22 किलोमीटर आना जाना आज गलत हो गया इस मैप की वजह से। ब्रॉड रोड जो है बहुत बढ़िया बनी हुई है ब्रॉड तक, चलो रोड तो अच्छी मिली। भाई ये रोड और एरिया देख के ऐसा याद आ गया मुझे जैसे मैं खजियार में हूँ, खजियार जाते टाइम भी मुझे कुछ ऐसा ही रास्ता मिला था, और यहाँ पे भी ब्रॉड जाते समय भी बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का।
तो गाइस सिर्फ 14 किलोमीटर रह गया है बरोट, और ये यहाँ की पहाड़ियाँ बरोट की काफ़ी पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, बल्कि अभी नहीं लिखा हुआ है कि पत्थर काफ़ी गिरते हैं यहाँ से। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है टिक्कन, टिक्कन के नेम से है ये एरिया। स्पीड ब्रेकर। तो गाइस अब मैं पहुंच गया हूं लचकंडी, और यहां से 7 किलोमीटर है बरोट। कितना प्यारा बना हुआ एरिया ये। आंटी घबराई गई। ये क्या आ गया वरदान, एक वर्धमान होता है एक यहाँ वरदान लिखा हुआ है। क्या बात है, ये होटल लग रहा है कोई। सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है बरोट, ज़्यादा नहीं है। सामने कोऑर्डिनेट कैंप्स लिखा हुआ है, तो सोच रहा हूँ आज की स्टे में यही कर लूँ कि थोड़ा सा आगे देखा जाए। चलो पूछ लेता हूँ यहाँ क्या प्राइस है। तो गाइज़ ये मैंने यहाँ कैंप लिया है रहने के लिए, और ये भैया है यहाँ पे, तो मुझे यही बेस्ट लगा और ये तीसरे नंबर वाला मैंने चूज़ किया है। क्या नाम है भैया आपका? तो संतोष जी आप यहाँ यहीं रहते हैं? ठीक है, तो ये संतोष जी है इस एरिया को ऑपरेट कर रहे हैं इस कैंप को। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा ये, लाइट वगैरह है भैया? अच्छा अच्छा लाइट जल रही है, बहुत ही प्यारा। चलो जी संतोष जी बहुत अच्छा लगा, आज की रात यही। बाकी मैं आपको डिटेल देता हूँ गाइस कितने का पड़ा, क्या है क्या नहीं है सिस्टम यहाँ। और ये अपनी ब्लैक हॉक सामने रहेगी टेंट के। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ आकर फ्रेश हुआ हूँ बरोट वैली में आके, क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं था, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। तो अभी मैं कोजी कैंप में हूँ जो स्टे कर रहा हूँ आज के दिन, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल काले काले आ गए हैं, और मुझे वाटरफॉल देखने जाना था। चलो वो तो बात की बात है, बाकी मैं आपको बता दूँ ये जो कैंप है, कैंप के जो कॉस्ट है, मैं तो सिंगल हूँ इसलिए सिंगल और डबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 700 रुपीज़ जो है मुझे पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से चार्जेस लगे हैं। और सबसे ख़ास बात कि आप अपनी बाइक जो है टेंट के बाहर लगा सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है गाइज, अंदर से काफ़ी स्पेशियस है। और सबसे ख़ास बात गाइज वहाँ चार्जिंग का एक पॉइंट दे रखा है, नहीं तो आजकल कहीं मिल ही नहीं रहा था टेंट के अंदर। और ये मेरा सामान वगैरह, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ यहाँ का, जो बरोट वैली का है जो एक अट्रैक्शन पॉइंट है। और इसकी ख़ास बात गाइस, इस कैंप की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ये देखिए गाइस यहाँ एक नदी है जो इस टेंट के पीछे से बह रही है, बहुत ही प्यारी। और व्यू देखिए गाइस, कैसा लगा गाइस आपको ये कोजी कैंप हाउस? और बाकी वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ मैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी इस ब्लॉग के थ्रू। चलते हैं गाइस, तो चलते हैं गाइस वाटरफॉल की ओर। टेंट मिलेगा तो बाकी आप संतोष जी को, संतोष जी से बात कर लीजिएगा,
जब भी आप यहाँ कभी आएँ या उनको मेरे इस चैनल का नेम बता दीजिएगा ऑन द वे अमन, तो आपको डिस्काउंट वो दे देंगे। मेरी उनसे बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा चैनल का नेम ज़रूर बताइएगा उन्हें डिस्काउंट के लिए। बाकी मिलते हैं गाइस रास्ते में। एक्चुअली मैं बाइक से जा रहा हूँ वाटरफॉल, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं ये पहाड़ चढ़ के, दिक्कत तो कोई नहीं है। सबसे ख़ास बात है कि गाइस ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर से उसकी बैक साइड पे जो है वाटरफॉल है, तो एक डेढ़ घंटे की जो है ट्रैकिंग है यहाँ से। मौसम ख़राब हो रहा है इस वजह से मैं ट्रैकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। बाइक से यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे बैक जाना पड़ेगा और वहाँ से 3 किलोमीटर का आगे का एरिया है। तो बाकी बातें हम बाइक पे करते हैं और वाटरफॉल देखने चलते हैं गाइस।